सोलन का ओच घाट शिक्षा का हब है। इस क्षेत्र के आसपास करीबन 3 विश्वविद्यालय और करीबन 5 कॉलेज हैं और यहाँ युवा देश के कोने कोने से शिक्षा ग्रहण आते हैं, लेकिन अब यह क्षेत्र नशे के कारोबारियों के टारगेट पर है, जहाँ नशे के सौदागर अपनी जड़ें धीरे धीरे पसारने लगे हैं। यही कारण है कि युवाओं को धीरे धीरे नशा अपनी चपेट में लेने लगा है। पुलिस भी इन नशे के सौदागरों पर पैनी नजर रखे हुए है और आए दिन वह नशे की खेप पकड़ते रहते हैं। आज भी नाहन के एक युवक की बाइक से करीबन 240 नशे की गोलियां और 144 नशे के कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाना है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि पुलिस नशे पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसमें वह शहरवासियों के सहयोग से नशे के कारोबारियों तक पहुंच रही है। आज भी उन्होंने त्रिलोकपुर के विनोद को रंगे हाथों नशे की खेप के साथ पकड़ा है, जिसके खिलाफ NPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सोलन पुलिस नशे की किसी भी तरह की हरकत, कारोबार या उसका व्यापार या उसकी कंजम्पशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमने अभियान छेड़ा हुआ है। इसी के मद्देनज़र SHO सदर की टीम ओज घाट के पास जीरो पॉइंट में जब चेकिंग कर रहे थे वाहन की, तो एक विनोद कुमार के व्यक्ति जो त्रिलोकपुर नाहन के रहने वाले हैं, उनकी बाइक से जो उन्होंने बैग कैरी कर रहे थे, वहाँ से हमें कुछ कैप्सूल्स तकरीबन 240 निट्रावेट के कैप्सूल्स और गोलियां और 144 स्पैज्मोप्रोक्सीवोन की जो बैंड ड्रग्स हैं उसमें हमें बरामदगी हुई। उसमें FIR उनके खिलाफ दे दी गई है अंडर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ NDPS और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में।